औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए गुजरात से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। गुजरात के नगर परिषद चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहां पर बेहतरीन जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वहां पर उन्होंने पहचानते हुए वहां की राजनीति में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। जी हाँ, गुजरात के नगर परिषद चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने पहली मर्तबा हिस्सा लिया था और वहां पर उन्होंने अब बेहतरीन जीत हासिल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को गुजरात की सरजमीन पर लहरा दिया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये अहम खबर सुनाने जा रहा हूँ कि गुजरात के नगर परिषद चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहां के लोकल बॉडी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1200 वोटों से हराकर अपनी जीत की राह को तय किया है। ये जीत के बाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के वहां पर हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला गुजरात में और भी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हिस्सा लेगी और यहां के जो लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में एक जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को इस कामयाबी की मुबारकबादी वहां की आवाम और वहां की जनता दे रही है। अब उसके बाद से वहां पर आने वाले हर छोटे बड़े इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने साबिर काबुलीवाला साहब ने ऐलान किया है कि इस जीत के बाद से हम हर एक इलेक्शन में गुजरात में हिस्सा लेंगे और यहां पर अपना हक जमाएंगे। तो आप सब मिलकर ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहें। मजलिस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।